कहा था ना कि भाई हमें माफ करो। अंकल आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिएगा। मैं जिस कंप्यूटर के एड्रेस के बारे में पुलिस स्टेशन में बात कर रहा था, मुझे वो मिल गया है अंकल। देखो हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैंने तुमसे कहा था, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, हमें माफ करो। अंकल अंकल एक पापा एक बार ठीक से सुन तो लीजिए, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पता किया है, वो हमारी मदद करने की तो कोशिश कर रहे हैं। प्लीज पापा सुनिए ना, बिल्कुल सही तो कह रही है शिखा, अब लड़का शरीफ खानदान का है, पहले भी मदद कर चुका है ना शिखा की, हो सकता है कि समीर ही हमें हमारी मुसीबत से छुटकारा दिला दे। जा बेटा उसे बुला ला। समीर जी आइए, अंदर आइए। पापा सॉरी समीर, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। बोलो क्या कहना चाह रहे थे। अंकल मैं ये कह रहा था कि जिस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा था, जिसे शिखा जी का फेक अकाउंट बनाया गया था, मुझे वो मिल गया। कंप्यूटर? जी। किसका कंप्यूटर है वो? ये तो मैं नहीं जानता शिखा जी, पर इतना जरूर जानता हूँ कि वो जो भी है 4 से 6 के बीच में लवन लाते कैफे में जरूर बैठता है। लेकिन तुम इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? अंकल मैंने अपना पूरा ऑफिस इस काम में लगा दिया था और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रस्ट मी। पापा जाना चाहिए ना वहाँ। हाँ अंकल, इनफैक्ट 4 बजने में भी ज्यादा टाइम नहीं है, आई थिंक हमें जल्दी निकलना चाहिए। सुधा हम लोग होकर आते हैं, चलो। क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं? समीर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। अंकल मेरी पूरी टीम उस कंप्यूटर को ट्रैक कर रही है, वो जैसे अपने कंप्यूटर से यहाँ का इंटरनेट कनेक्ट करेगा हमें पता चल जाएगा कि वो यही है। एक्सक्यूज मी, यस सर, आपका यहाँ का इंटरनेट का पासवर्ड क्या है? सर Lotus 124। थैंक यू, वेलकम। समीर इतने सारे लोग हैं, ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से वो कौन है? अंकल आप प्लीज बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो आज यहाँ आया तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा, आई प्रॉमिस। एक मिनट अंकल प्लीज। राघव। यस सर। क्या अपडेट है? सर वो कंप्यूटर वहीं कैफे में है सर। ग्रेट, वो यही है। राघव तुम 100% श्योर हो कि वो यहीं पर है? सर 200% श्योर हूँ, वो वहीं है। राघव अभी क्या मूवमेंट है इस लैपटॉप पे? सर
अभी तो कुछ हरकत नहीं है सर। अच्छा तुम लाइन पर ही रहो। ओके सर। अंकल वो देखिए, मुझे लगता है कि ये वही लैपटॉप है जिससे शिखा जी का फेक अकाउंट बनाया गया था, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। राघव। यस सर। अभी क्या हरकत हो रही है उस लैपटॉप पे? सर नो सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर, लगता है उसने शट डाउन कर दिया सर। लेकिन वो लैपटॉप छोड़ के कहां चला गया? अंकल आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। अंकल ये वही है। आप इसे जानते हैं? अरे एक बार फोन करके देख लेना उन्हें। मम्मी फोन करने से पापा और परेशान ही होंगे। अरे कब तक ऐसे बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे हम लोग? मम्मी मैं तो कह रहा हूँ मैं ही जाके देख के आता हूँ। तो चुप कर बैठ जा। मम्मी परेशान होना बंद करिए ना, पापा अकेले थोड़ी ना गए हैं, समीर जी गए तो हैं साथ। समीर के लिए अलग डर लग रहा है मुझे। बेचारा ना कुछ लेना ना देना, इतना सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। भगवान ना करे कहीं उसे कुछ हो गया तो। ओ मम्मी कुछ नहीं होगा, क्यों फिक्र कर रही हो? दीदी क्या हुआ माही? दीदी I'm sorry. Sorry? दीदी आप गुस्सा मत हो ना। ये बात को क्या गोल गोल घुमा रही है तू? हाँ सीधे सीधे बता की बात क्या है। मामा मुझसे गलती हो गई। अब क्या कर दिया तूने? पहले से घर में इतनी टेंशन है, अब बता क्या बात है? मम्मी आराम से। माही घबरा मत, बता क्या हुआ? अरे हम ही तो हैं, हमसे क्या छिपाना, चल बता। दीदी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से आप इतना परेशान हो जाएंगी। क्या मतलब? वो नकली अकाउंट पहले बनवाया था। दीदी आपने? माही क्या कहा तूने? अरे कुछ सोच समझ के तो बोल, ये मजाक करने का समय नहीं है। अम्मा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो नकली अकाउंट मैंने ही बनाया था। लेकिन क्यों? अम्मा मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं बस ये चाहती थी कि दीदी की शादी हो जाए, बस और कुछ। पागल हो गई ये लड़की? अरे हम क्या मर गए थे जो तू चली थी इसकी शादी करवाने? अरे क्या जरूरत थी तुझे ये सब कुछ करने की? हम बस ये चाहते थे कि एक बार दीदी की शादी हो जाए तो हम दोनों। हमें लगा मतलब तेरे साथ कोई और भी था। अरे बोल ना, बताती क्यों नहीं है?
दीदी, आप लोग तो निमेश को जानते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उसकी फैमिली उसे बहुत प्रेशराइज कर रही है। अभी तक आपकी शादी की बात भी नहीं छिड़ी और मैं कैसे घर पे अपने बारे में बात कर पाती, इसलिए मेरे कहने पर निमेश ने आपका नकली अकाउंट बनाया ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। माही, तो वो सब चैट्स समीर जी के साथ फोन पे बातें सब तू कर रही थी? तुझे शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि शिखा तेरी बहन है? सॉरी दीदी, मैं बस यही चाहती थी कि आपकी शादी हो जाए। तुझे क्या लगता है माही, मेरा फेक अकाउंट बना के मेरी जगह बात करके मेरा रिश्ता हो जाएगा? ये सब मजाक लगता है तुझे? पता नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कम से कम आपके रिश्ते की बात तो आगे बढ़ेगी। सॉरी दीदी, दीदी सॉरी। नहीं माई, आज तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया और सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको हर्ट किया तूने। एक बार तूने ये बात नहीं सोची कि जब इस बात का पापा को पता चलेगा उनपे क्या गुजरेगी, उनका क्या हाल होगा? घर से माई, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, निकलो इस घर से। पापा, बिल्कुल चुप शिखा, आज एक लफ्ज नहीं। पापा नहीं। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है इसने क्या किया। पापा, मैं माई ने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसे घर से निकाल रहा हूं, इस घर में रहने लायक नहीं है, निकलो यहां से। मामा, मामा कुछ बोलिए ना पापा को, बोलिए ना माँ। अरे क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने लायक छोड़ा है तूने, हमारे लाड़ प्यार का ये नतीजा दिया कि अपने घर वालों का भरोसा ही तोड़ दिया। अरे इतने दिन से इस बात को लेकर हम सब परेशान हैं, लेकिन फिर भी तूने कुछ नहीं बताया। मामा मैं डर गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। तूने मतलब के लिए इतना गिर गई कि तूने शिखा के पीछे गाड़ी लगवा दी, उस पे स्याही फिकवाई। अरे कुछ तो शर्म की होती, बहन है वो तेरी। मामा मैंने वो सब नहीं किया, सच मैंने सिर्फ दीदी का नकली अकाउंट बनवाया, इसके आगे और कुछ नहीं। तूने नहीं तो इस निमेश ने किया होगा। नहीं
सकती। इसमें निमेश की कोई गलती नहीं है, उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। माँ मैं उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। पापा सच में ये गाड़ी वाला कौन है हमें कुछ नहीं पता। आंटी माही सही कह रही है, आंटी हमने तो सिर्फ अकाउंट बनाया था। तू इस लड़के से शादी करना चाहती है जो ऐसा घटिया और बेहुदा काम करता है? दीदी आप तो समझे ना, बोले ना पापा को। नहीं, तुझे अगर शादी करनी थी हमें बताती तो सही। मम्मी पापा से डर रही थी, मुझे बताती ना, मैं तेरी हेल्प करती, खड़ी होती तेरे साथ। इसे कहते हैं बहन जो अपनी दूसरी बहन की खुशी के लिए लड़ने को तैयार है। इसे कहते हैं इस घर की परवरिश जो तुझ में नहीं है। इसे कहते हैं इस घर के संस्कार जो तुझ में नहीं है। ये है मेरी बेटी, तू नहीं है। माही तुझे शिखा शायद माफ कर भी दे, लेकिन मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। पापा माही को अपने किए पे अफसोस है, आप इसे घर से निकाल देंगे, कहां जाएगी वो? प्लीज पापा। अंकल एक शब्द नहीं बोलोगे बीच में तुम? इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, माही चले जाए यहां से। सुधा इसे यहां से जाने को कह दो। अंकल माफ कीजिएगा, अंकल ये आप सबका पर्सनल मामला है और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बीच में बोलूं, बट प्लीज इफ यू डोंट माइंड मैं कुछ कहना चाहता हूं। अंकल माना कि अंकल माही ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, वो गलत था, लेकिन अंकल उसकी नीयत बुरी नहीं थी। इनफैक्ट उसने तो अपनी खुशी से पहले अपनी दीदी की खुशी के बारे में सोचा। उसने तो वही किया अंकल जो हर एक छोटी बहन करना चाहती है, कि उससे पहले उसकी दीदी की शादी हो जाए ताकि लोग उसकी दीदी के बारे में बातें ना बनाएं। और आंटी भरोसा तो माही तब तोड़ती ना जब ये भागकर शादी कर लेती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसमें अब भी आपके और अंकल के अच्छे संस्कार हैं आंटी। अंकल एक बार बचपन में मेरी शरारत पे डैड ने मुझे बहुत मारा और मैं गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। पूरी रात बेंच में बैठकर रोता रहा पर कोई नहीं आया, किसी ने मुझे सर रखने के लिए अपना कंधा नहीं दिया। तब जाकर समझ आया कि घर वाले क्या होते हैं, फैमिली की वैल्यू क्या होती है। और मैं चुपचाप वहां से उठकर घर वापस आ गया। और अंकल मैं घर वापस आया तो मॉम डैड की हालत मुझसे भी ज्यादा बुरी थी। अंकल अब माही को घर से निकाल देंगे तो वो परेशान होगी, पर आप भी थोड़ी चैन से रह पाएंगे। अंकल वो करने तो सही ही निकले थे ना, बेशक रास्ता गलत पकड़ा उन्होंने, हम सभी गलती करते हैं अंकल। अगर आप माफ नहीं करोगे अंकल तो और कौन करेगा, आप ही के तो बच्चे। और निमेश प्यार में आदमी अक्सर बहक जाता, जिसे तुम प्यार करते हो उसे ना पाने का दुख क्या होता है
ये मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो जी चाहे तुम वो करो। तुम अगर भाई से सच में प्यार करते थे ना और उसे शादी करना चाहते थे तो तुम्हें सबसे पहले घर वालों को बताना चाहिए था। अरे वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है यार, माही शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती। और अगर हम इसी रिश्ते को बनाने के लिए उन्हीं को दर्द पहुंचाएं तो फिर क्या फायदा? I'm really sorry. निमेश सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलो जिनका तुमने दिल दुखाया। अच्छा अंकल मैं चलता हूं, नमस्ते। नमस्ते आंटी। शिखा जी आई एम वेरी सॉरी, मैं तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए आया था और अनजाने में आपका दर्द और भी बढ़ा दिया। आई एम सॉरी अगेन, प्लीज टेक केयर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.